तीर्थों में भी अनुपम तीर्थ बद्रिकाश्रम, और कभी आप बद्रिकाश्रम जाएं तो वहां नरनारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा का दिव्य प्रवाह, और कुछ किंचित उत्तर की ओर आप बढ़ें तो वहां महर्षि वेदव्यास की गुफा, मूर्ति माता की स्थापना और वसुधारा, ऐसे सतोपंथ का मार्ग जिधर से पांडव निकल गए, उस स्थान पर अनेक बार अनुभव हुआ ऋषि मुनियों को कि वहां वो नारायण आश्रम है, पर उसकी जो मूल अधिष्ठात्री देवी है वो भैरवी है, भैरवी चक्र है, घंटाकर्ण वहां के देवता हैं, वे नारद क्षेत्र है, वह केदार खंड है, नारद क्षेत्र करते हैं, नारद वहां विहार करते हैं, 6 मास भगवान की सेवा में रहते हैं नारद जी, और 6 मास नारद जी को श्राप वहां नहीं लगता, क्योंकि नारद जी को यह श्राप है कि कुछ ही घड़ी तक एक जगह आप रहेंगे, लेकिन बद्रिकाश्रम में वो श्राप उनको नहीं लगता। ऐसा ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बद्रिकाश्रम में अथवा जो 4 धाम है हमारे, वो श्राप मुक्ति के लिए है, वो प्राश्चित के लिए है। कभी कोई श्राप लगा हो, किसी प्रकार का आप में दैन्य है, दौर्बल्यता है, आप निरुत्साहित हो गए, हतोत्साहित हो गए, आप में विजय के भाव खो गए, अकर्मण्यता आ गई है, और आप में वे संकल्प अच्छे नहीं जगते जो कल्याणकारी संकल्प हैं, अथवा आप में ऊर्जा शक्ति विभूति का अभाव है, अथवा कोई आपके भीतर असुरक्षा और भय की भावना है, अथवा कोई दैन्य दुर्बलता इस बात की है कि अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी जो दैन्य दुर्बलता वाले प्राणी हैं उनके लिए बद्रिकाश्रम बताया। तो बद्रिकाश्रम में जाइए, वहाँ का वहाँ की प्राणवायु, वहाँ का पवन प्रकाश, वहाँ के अंतरिक्ष आकाश से एक अज्ञात ऊर्जा का पात होता है, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।